नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स.com और मैं हूं रविकांत कुमार। कोसी टाइम्स समाचार के इस बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल में मध्याह्न भोजन खाने से करीब एक दर्जन बच्चे की बीमार होने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि जानकारी मिलते ही सभी बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां बच्चों के हालत में सुधार हो रही है। मामला सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय जयनगरा का है, जहां बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के तत्क्षण बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन में छिपकली मरा हुआ पाया गया था, जिसे खाना खाने के बाद बच्चों ने ही देखा। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही कुछ बच्चों को उल्टी होने लगी। स्थिति को भांपते हुए आनन-फानन में सभी बच्चों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वही जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचे MDM प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बच्चों का इलाज किया जा रहा है और जाँच के बाद दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय जयनगरा में बच्चों को भोजन के वक्त जो है छिपकली मिला है, ये संज्ञान में हमें आया। तुरंत हम लोग अस्पताल आकर के बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत है और देख रेख करके इलाज चल रहा है। बच्चे के स्वास्थ्य में व्यापक सुधार हो रहा है और जांच होगी। अभी तो वैसे सरकार की ओर से जो है रसोईया और किचन सेट की साफ सफाई स्वच्छता अभियान चल ही रहा है, जिसमें हम लोग को कड़ी निर्देश दिया गया है हेडमास्टर को साफ सफाई और स्वच्छता पूर्वक भोजन बनाने के लिए। फिर भी जो कमी हुई है वो तो अभी पहले स्वास्थ्य बच्चों का ठीक हो जाए, उसके बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही, चलते चलते एक छोटी सी अपील। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज कोसी टाइम्स को लाइक कर दीजिए। खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल कोसी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी खबर होगी तुरंत आप तक पहुंच पाएगी। और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.कोसीटाइम्स.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं।